अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हम गए थे इम्तियाज़ बकर ईद के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी करने, तो मैं करके आ गई थी। तो मैंने बोला चलो आनिया से वीडियो बना लेते हैं अपन लोग। तो बस आनिया जो है आपको सामान दिखाएगी। खाने के लिए मम्मा मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ आप बनाना, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है मैं ही बनाऊँ और मैं ही चीज़ें दिखाऊँ इस वजह से। तो बस अभी यहाँ नहीं आपको दिखाती जा रही है। यहाँ पे हमने लिए तेल लिया है, बरकत वालों का लेमन मिक्स लिक्विड वगैरह, मसाले ले लिए थे कुछ, और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ले ली। और तबीयत भी सही नहीं थी, दिल भी नहीं कर रहा था जाने का, मगर फिर एक दो दिन ही बचे ईद में तो जाना था। और यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो बस, और ये मैक्रोनी ले ली हमने, सेल में से भी चीज़ें ली थी और जो लगी हुई थी वो भी ले ली थी। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इस वजह से अपने हिसाब किताब देख के चलना पड़ता है। बस टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाने लगे हैं ये लोग। तो बस मैं और उसके साथ चले गई थी, मुझे मम्मी के भी जाना था, फिर मैं जा नहीं सकी क्योंकि यमुना सो गई थी। फिर मैंने बोला चलो अरुच को भाई लेने आ जाएगा, तो फिर अरुच चले गई थी बाहर, यहाँ गई नहीं थी मेरे साथ। आने के लिए मम्मी मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। तो यहाँ पे बस आनी आपको चीज़ें खुल खुल के दिखा रही है। आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद की तैयारी शुरू कर दी या नहीं, ग्रॉसरी वगैरह करी या नहीं करी। और वीडियो बहुत लेट आई है, मेरी तबीयत सही नहीं है आजकल ना, और गर्मी भी बहुत शदीद हो रही है। जिस तरह आपको पता है गर्मी का आलम है, और यहाँ तो बिल्कुल जैसे हैदराबाद की तरफ इधर उधर तो बारिशें भी हो रही हैं, हवाएं भी चल रही हैं पंजाब साइड पे भी, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी हो रही है। तो बस यहाँ पे चीनी वगैरह ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं खाने पीने की, जो रात में बच्चों को भूख वगैरह लगती है तो फिर बंदा चाय के साथ दे देता है, मैगी वगैरह बना देता है। और ये मैं सोइयाँ वगैरह वहीं से ले आई थी बकर ईद के लिए। मैंने बोला अब क्या दुकानों पे जाके लेकर आऊँ, अब जा ही नहीं, तो एक ही दफ़ा ले आऊँ जाकर। तो बस यहाँ नहीं आपको दिखा रही ये वीडियो, तो क्या हो गया। तो यहाँ ये लव लेटर वगैरह बंटियाँ ये लोग खाते नहीं हैं, मगर आनिया ने ज़िद करी तो फिर मैं ले आई। और डबल ट्रिपल चीज़ें ले आई थी कि मुझे दोबारा ना जाना पड़े। और बस आप लोग बताएं आप लोग की तरफ गर्मी हो रही है नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं सिलसिला। और यहाँ पर बच्चे चीज़ें दिखा रहे हैं, बस आप लोग सुनाएं। यहाँ पे शैम्पू वगैरह भी, और नेशनल वालों के थे, मेहरान वालों के थे, और थोड़ा सा वॉशरूम का सामान भी था जैसे हार्ड पिक्स छोटू वगैरह हो गया, ये सब, ये बिस्किट वगैरह। मैं डबल टिप्पल ले, बच्चे रात में खाते हैं ना इस वजह से। तो बस अभी बच्चे हैं खेल रहे हैं, मैंने बोला चलो तक मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँ। और ये दूसरी मैक्रोनी है वो बारबेक्यू मैक्रोनी की मैं वाली थी, इस पैकेट वगैरह भी ले आई थी। मैंने बोला चलो बच्चे ये ईद के टाइम पे ना इंजॉय हो जाता है, थोड़ा सा बच्चे बनाओ ना के खा लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। यहाँ बिरयानी वगैरह भी ले आई थी, लहसुन अदरक अचार मिक्स अचार नेशनल वालों का, मुझे नेशनल वालों का अच्छा लगता है, शान वालों का नहीं। और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना नेशनल वालों की लेती हूँ अक्सर, शान वालों की बहुत कम लेती हूँ। शान वालों की खा के ना दिल भर गया। और इस टाइम पर मैं मेहरान का अचार गोश्त का डब्बा लाई थी पहले, जब ना इस पर ऑफर लगी हुई थी, तो ना ये चटर चीज़ वगैरह ये भी मिली आई, ये केवड़ा वगैरह वलैना एसेस वगैरह। तो बस ये कि मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा मेहरान वालों का ना, तो फिर मैंने ज़्यादा लिया नहीं। और शान वालों का भी सही है, मगर इतना अच्छा लगता नहीं है मुझे ड्रेस शान वालों का, मगर नेशनल वालों का अच्छा है, नेशनल वालों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादातर नेशनल वालों का करती हूँ। और टेंग वगैरह ले आई थी, गर्मी वगैरह होती है तो बच्चे पी लेते हैं बना वगैरह का, और ये दाल मोट वगैरह जैसे बच्चों को रात में भूख लगती है तो खा पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे शॉप रहे बन बन के रख भी रही थी आज के हाथ सामान लाई थी तो। और बस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये हमने बातें करी थी, अल्लाह हाफिज़।